नमस्कार, वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर के कलमना परिसर में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढहा, बड़ा हादसा होने से बचा शहर, बाल बाल बचा ट्रक चालक। प्रताड़ना से तंग आकर की अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आत्महत्या, सुसाइड नोट में कंपनी के मैनेजर सहित दो लोगों को ठहराया जिम्मेदार। नागपुर में प्रदेश कांग्रेस से मिली कांग्रेस के युवा नेतृत्व को नई जिम्मेदारी, अतुल लोंडे बने मुख्य प्रवक्ता तो विशाल मुत्तेमवार बने सोशल मीडिया प्रभारी। और नागपुर महानगर पालिका चुनाव के लिए पार्टियों ने शुरू किया वोटों के जोड़ तोड़ का गणित, चुनाव के लिए सभी पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर के ओल्ड पार्टी नाका से कलमना मार्केट के बीच निर्माणाधीन पुल बनने से पहले ही ढह गया। एक पिलर से गर्डर टूटकर गिरने लगा। संयोग से उस समय रास्ते पर वाहनों की आवाजाही कम थी, इसीलिए बड़ा हादसा टल गया। एक ट्रक चालक 5 सेकंड पहले ही पुल के नीचे से निकला था। इस घटना से परिसर के नागरिकों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते पुल ढहने की खबर पूरे नागपुर में आग की तरफ फैल गई। हजारों की तादाद में लोग जमा होने लगे। किसी प्रकार की जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन भीड़ को नियंत्रण करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जाता है कि इस पुल का निर्माण कार्य नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है, जिसका ठेका GDCL कंपनी को दिया गया है। मंगलवार को रात 9:10 के दौरान अचानक सरजा बार के समीप स्थित पिलर से गर्डर की जुड़ाई टूट गई। रास्ते से गुजर रहे लोगों को कंक्रीट के पत्थर गिरने की आवाज़ सुनाई दी। एक व्यक्ति उस समय वहां से गुजर रहा था। पुलिस से मलबा गिरते देख वह रुक गया और उसकी आंखों के सामने ही गर्डर धराशायी हो गए। दूसरी तरफ के पिलर से भी जुड़ाई टूट गई, लेकिन लोहे के एंगल से अटका रहा, वरना पूरे के पूरे 9 प्लेट से जुड़े गर्डर जमीन पर धराशायी हो जाते। एक तरफ का हिस्सा गिरने से ही स्थानीय लोगों को जोरदार आवाज सुनाई दी। आसपास रहने वालों को कंपन महसूस हुई। लोग अपने घरों से बाहर निकले तो पुल ढहा दिखाई दिया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा होने लगी। खबर मिलते ही कलमना पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस को दंगा नियंत्रण दल को भी बुलाना पड़ा। पुलिस ने मार्ग पर आवाजाही बंद कर दी, चारों तरफ से लोगों को दूर खदेड़ दिया। पुलिस को डर था कि कहीं बचा हिस्सा भी ढह गया तो भीड़ के चलते बड़ी अनहोनी हो सकती है। घटना की जानकारी मिलने पर NHAI के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। देर रात तक जांच पड़ताल की जा रही थी। यह तो अच्छा हुआ कि पुल का काम पूरा नहीं हुआ था। यदि पुल पर आवाजाही शुरू होने के बाद यह हादसा होता तो न जाने कितने लोगों की जाने जाती। ना कैसे भी इसकी जानकारी तो हम नहीं दे सकते, कारण हम तांत्रिक के परिपूर्ण व्यक्ति नहीं हैं। लेकिन इसके लिए जो भी यांत्रिक तज्ञ लोग हैं उनकी एक समिति बैठा करके इसका तुरंत निराकरण करेंगे कि इसके लिए कौन दोषी है। इसमें काम करने वाली कार्यप्रणाली दोषी है, डिजाइन दोषी है, या काम करने वाला ठेकेदार दोषी है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई हम करेंगे। अभी अभी गिरा है इसलिए तुरंत दोषी तो नहीं मिलेगा। अगर तुरंत दोषी मिला रहे तो यहीं खड़े खड़े कार्रवाई कर देते। ये यांत्रिक विषय है और हम यांत्रिक तज्ञ नहीं है, इसलिए यांत्रिक तज्ञ व्यक्ति की नियुक्ति करके उसकी जांच कराई जाएगी और उस जांच में जो दोषी आएगा उस पर कार्रवाई करेगी। मागच्या 3-4 वर्षापासून हा पुलाचं काम बंद आहे, परंतु काही पार्ट यांनी केलेला आहे, त्या पार्टचं काम हे आता आपल्या समोर दिसत आहे। ज्या पद्धतीनं हा 2 वर्षामध्ये माननीय पंतप्रधान मोदी साहेबांनी याचं उद्घाटन केलं होतं, 2 वर्षाच्या क्रायटेरियामध्ये हा पूल बनणार होता, परंतु तो पूल बनला नाही। एक देवाची कृपा चांगली झाली की हा पूल बनला नाही। जर हा पूल बनला असता तर हा आज जाण्या येण्याचा मार्ग राहिला असता, आणि हा जाण्या येणाऱ्या मार्गावरून ज्या पद्धतीनं आता तो बघताय तुम्ही, तो पूल तुटला तर शेकडो लोक त्यात मृत्युमुखी पडले असते। आम्ही प्रशांत पवार साहेब आणि आमचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे लोक मागच्या वेळेस NHAI च्या माध्यमातून आम्ही निवेदनसुद्धा दिलं, डेप्युटेशनसुद्धा दिले, आणि त्यांना सांगितलं की हे वारंवार
अशा पद्धतीचं काम करते की कधी कॉलम पडते तर कधी स्लॅब पडते तर कधी कुठे काही होते, ह्या गोष्टीचं त्यांना निवेदन दिलं होतं की आपण ह्या गोष्टीकडे ऑडिट लक्ष द्यावं. माननीय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी साहेबांना सुद्धा निवेदन दिलं होतं, परंतु त्यांनी अजिबात लक्ष न देता त्याच कंपनीला ह्या जे SML आणि GDCL यांच्या जेवी याच्यात कंपनीमध्ये हे काम. इतना बडा ट्रॅफिक चलता ये कलमना मार्केट रोड पे, अभी ये तो कृपा भगवान कृपा समझिए या पुलिस के सहकार समझिए कि कलमना मार्केट का कार्य बंद है और इन्होंने ट्रैफिक उधर से कंट्रोलिंग करके रोका हुआ था. अगर कहीं ट्रैफिक उस समय पे चालू होती तो कम से कम यहाँ पे सैकड़ों जाने जाती थी, उसका जवाबदार कौन होता था? इसका जवाब केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी और नरेंद्र मोदी साहब को देना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और ये करोड़ों का भ्रष्टाचार है. इसको बता रहे थे हम लंदन सिटी दिखाएंगे, हम ये करेंगे, इतना बड़ा अच्छा लोग देखने आएंगे इस पुलिया को. आज देखिए इसका अगर आप जस्टे कंस्ट्रक्शन देखेंगे बहुत ही रद्दी टाइप का कंस्ट्रक्शन इसका दिखेगा. और आपको नागपुर को एक सौगात बोले थे हमने देंगे, और वहाँ पे मोदी जी ने इसका कस्तूर चंद पार्क में भूमि पूजन किया था, वहाँ से रिमोट से बटन दबाया था, वही रिमोट सिस्टम से पुलिया गिर गई है. मोदी जी आज आप आइए और वो रिमोट दबा करके इस पुलिया को उठाइए और इसको जोड़िए, तब आपका कार्य समझ में आएगा. मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आम जनता का पैसा है ये, हम लोगों के जेब से पैसे खींच खींच करके, हम लोगों के खून पसीने कमाई टैक्स के रूप में ले ले करके ये कार्य किया जा रहा है. और बारम्बार इसका टाइमिंग 4 साल इसको लेट हो चुका है, 4 साल इस कार्य को पहले ही हो जाना चाहिए था, 4 साल लेट हो गया, उसके बाद भी इसका कार्य पूरा नहीं हुआ और अभी भी ये पुलिया हिल रहा है. आप इधर पीछे देखेंगे ये पुलिया हिल रहा है, ये कभी भी स्लैब गिर सकता है. आज कल यहाँ से कोई भी निकलने की हिम्मत करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बहुत लोगों के अकेला बच्चा है, अगर किसी का बच्चा इसमें दब जाता उसके घर का दीपक अंधेरा हो जाता, उसका भरपाई कौन करेगा? इसकी जाँच होनी चाहिए और हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से मांग है. जरीपटका थाना क्षेत्र में एक अधेड़ व्यक्ति ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. आत्महत्या का कारण एक निजी कंपनी के मैनेजर सहित 2 लोगों को बताया जा रहा है. इस बात का उल्लेख व्यक्ति ने अपने सुसाइड नोट में भी किया है. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मृत्यु के साथ 2 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर लिया है. साथ ही इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है. आरोपियों में AMCL मशीनरी लिमिटेड कंपनी के HR मैनेजर अलंकार नगर मानेवाड़ा रोड निवासी उत्तम जनार्दन ताजने और नवनीत भट्टल का समावेश है. विगत 5 सितंबर की रात 11:30 बजे के दौरान श्रावस्ती नगर निवासी प्रकाश शिवदास वाघमारे ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी. प्रकाश बुट्टी बोरी की AMCL कंपनी में वेल्डर पद पर कार्यरत थे. उन्होंने मरने से पहले सुसाइड नोट में कंपनी के मैनेजर उत्तम ताजने और नवनीत भट्टल द्वारा प्रताड़ित करने की बात लिखी थी. उनकी प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने का उल्लेख किया था. उनके बेटे ईशान की शिकायत पर जरीपटका पुलिस ने ताजने और भट्टल के खिलाफ धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया. पुलिस ने ताजने को गिरफ्तार कर लिया है और भट्टल की तलाश जारी है. पुलिस के अनुसार वर्ष 2015 में प्रकाश पर चोरी का आरोप लगाकर काम से निकाल दिया गया था. इसके बाद प्रकाश ने श्रम आयुक्त के कोर्ट में अपील की थी. श्रम आयुक्त ने प्रकाश के पक्ष में फैसला दिया. इसके बाद भी कंपनी ने उन्हें दोबारा काम पर नहीं रखा. बाद में कंपनी के इस व्यवहार के खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय में अर्जी लगाई. 5 साल तक उन्होंने कोर्ट में संघर्ष भी किया, लेकिन न्याय न मिलने से आखिरकार उन्होंने आत्महत्या कर ली. महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों को जवाबदारी सौंपी है. शहर के अतुल लोंढे को मुख्य प्रवक्ता एवं विशाल मुत्तेमवार को सोशल मीडिया का प्रभारी बनाया गया है. नाना पटोले के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी को अधिक मजबूत बनाने का प्रयास नाना पटोले द्वारा जारी है. इसी आधार पर कांग्रेस में उन चेहरों को नई जिम्मेदारी सौंपी जा रही है जो आने वाले दिनों में कांग्रेस का भविष्य हो सकते हैं. मुख्य प्रवक्ता के तौर पर कांग्रेस के अतुल लोंढे को पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद विलास मुत्तेमवार के पुत्र विशाल मुत्तेमवार को मीडिया सेल प्रभारी का जिम्मा सौंपा गया है. अघाड़ी संगठन विभाग व सेल विभाग के प्रमुख पद पर पूर्व मंत्री एवं प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सुनील देशमुख को नियुक्त किया गया है. सह प्रमुख का दायित्व महासचिव विधायक अभिजीत वंजारी को सौंपा गया है. प्रदेश कांग्रेस के कार्यों में एक सूत्रता एवं गति लाने के लिए प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने विभिन्न समितियों का गठन कर नवनियुक्त पदाधिकारियों को जवाबदारी दी है.
लोंडे गत 2 वर्ष से प्रयास माध्यम से समक्ष पार्टी का मत रख रहे हैं। पार्टी ने उन्हें पुरस्कृत किया है। इसी प्रकार सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने एवं विपक्ष के प्रहार का उत्तर देने की जवाबदारी अब विशाल मुत्तेमवार को दी गई है। विशाल प्रदेश कांग्रेस के महासचिव हैं। वे अखिल भारतीय कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट एवं चंद्रपुर शहर जिले के प्रभारी पद की जवाबदारी संभाल चुके हैं। आगामी महानगर पालिका चुनाव के लिए सभी मुख्य पार्टियों ने वोटों के जोड़ तोड़ का गणित शुरू कर दिया गया है। मुख्य पार्टियां अपने समविचारी छोटी पार्टियों और सक्रिय संगठनों को साथ में लेने के लिए गणित बिठाने में व्यस्त हो गई है। ऑफरों से लुभाया जा रहा है। वैसे सभी पार्टियां अपने वोट बैंक को एकजुट करने के लिए बूथ स्तर पर सक्रिय भी हो चुकी है। बैठकों, प्रशिक्षण कार्यशालाओं का सिलसिला चल रहा है। वैसे सत्तासीन भाजपा के साथ रिपाई आठवले है तो कांग्रेस को पीरिपा रिपाई गवई का साथ है। शिवसेना फिलहाल किसी रिपाई गुट के साथ नहीं है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस भी नया गुट खोज रही है। दलित और मुस्लिम वोटों का विभाजन न हो और ओबीसी फैक्टर को भी अपने पक्ष में करने के लिए पार्टी नेता प्रयास कर रहे हैं। बीते दिनों तो ओबीसी आरक्षण के पक्ष में सभी मुख्य पार्टियों ने आंदोलन कर यह जताने का प्रयास किया था कि वे ओबीसी के साथ हैं। मनपा में बसपा की 10 सीटें हैं और इस बार के चुनाव में वह फिर एकला चलो की राह पर ही है। सिटी में बीएसपी का कैडर वोट है जो दूसरी पार्टियों की ओर नहीं जाता है। कयास लग रहे हैं कि बीते 15 वर्षों से मनपा में सत्तासीन भाजपा के खिलाफ इस वर्ष कुछ विपरीत हालत हो सकते हैं, जिसका लाभ कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को मिल सकता है। सत्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा भी चल रही है। कुछ का आकलन यह भी है कि भले ही भाजपा की सीटें कुछ कम हो सकती है लेकिन सत्ता उसे हासिल होगी। इसके पीछे केंद्रीय मंत्री गडकरी द्वारा सिटी में किए गए विकास कार्य है। बावजूद इसके भाजपा भी चुनाव को हल्के में नहीं ले रही है। उसके नेता छोटी पार्टियों और सक्रिय सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों को अपने पक्ष में करने की जुगत में जुट गए हैं। चर्चा यह भी है कि वंचित बहुजन आघाड़ी को कांग्रेस अपने साथ लाने का प्रयास कर रही है। चूंकि बीते दिनों हुए स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव में वंचित बहुजन के वोटिंग परसेंटेज में कुछ इजाफा दिख रहा है, इसीलिए सभी पार्टियां उसे अपने खेमे में लाने का प्रयास कर रही है। नागपुर शहर में शातिर साइबर ठगों की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस बार उन्होंने आयकर विभाग के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को अपना शिकार बनाया। ठगों ने बड़ी चालाकी से आयकर अधिकारी को उनके बैंक अकाउंट की KYC अपडेट करने के बहाने अपने झांसे में लिया। इसी दौरान उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन भी डाउनलोड कराई। इसमें उन्होंने बैंक अकाउंट से संबंधित सारी जानकारी भरवा ली। ठगी का पता आयकर अधिकारी को तब लगा जब उनके खाते से 4,33,000 रुपए निकाल लिए गए। दरअसल बैंक अधिकारी को साइबर ठगों ने पहले विश्वास में लेकर ऑनलाइन पूरी प्रोसेस कराने की बात कही। उन्होंने अधिकारी को एक एप्लीकेशन डाउनलोड कराई जिसका OTP लेकर खाते से करीब 4,00,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए। इस मामले में धंतोली पुलिस ने विवेकानंद नगर निवासी राजेश ब्रह्मदास मंडपे की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। राजेश आयकर विभाग में कार्यरत थे। कुछ समय पहले उन्होंने VRS ले लिया। विगत 30 अगस्त की शाम राजेश अपने घर में बैठे थे। इसी दौरान साइबर ठग ने उन्हें कॉल कर खुद को ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स का कर्मचारी बताया। उन्होंने बैंक खाते की KYC अपडेट करने की बात कही, साथ ही ऐसा ना होने पर बैंकिंग सर्विस बाधित करने की चेतावनी दी। राजेश ठगों की बातों में आ गए। उन्होंने ठगों को बैंक खाता क्रमांक, ATM कार्ड नंबर और पैन कार्ड की गोपनीय जानकारी दे दी। राजेश की यही भूल उनके लिए खतरनाक साबित हुई। वे ठगी का शिकार हो गए। ठगों ने इस दौरान राजेश से पेटीएम एप्लीकेशन इंस्टॉल भी कराया। इसके बाद राजेश के मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया। वेरिफिकेशन के नाम पर आरोपी ने यह OTP भी हासिल कर लिया। इसी की बदौलत खाते से राशि ट्रांसफर कर ली गई। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्रद्धानंद पेट चौक पर कार में सवार युवकों ने जमकर दादागिरी कर रौब जमाया। उन्होंने सिग्नल पर रुके युवक की बाइक को ना सिर्फ टक्कर मारी बल्कि युवक के द्वारा विरोध करने पर उसके साथ गाली गलौज के साथ मारपीट भी की। इससे चौक पर मौजूद आसपास के लोगों में डर बैठ गया। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस गाड़ी की नंबर प्लेट के सहारे आरोपियों की तलाश कर रही है। बजाज नगर पुलिस ने अंबाजरी टेकड़ी निवासी आकाश रमेश मसराम की शिकायत पर कार में सवार 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आकाश निजी संस्थान में काम करता है। ऑफिस के काम से सोमवार शाम 6 बजे के दौरान सीतावर्डी जा रहा था। श्रद्धानंद पेट चौक पर सिग्नल की बत्ती लाल होने के कारण वह रुक गया। इसी दौरान पीछे से आई उपरोक्त नंबर की कार के चालक ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। आकाश गाड़ी सहित गिर गया और मामूली चोट भी लगी। उसने आरोपी चालक को सावधानी से गाड़ी चलाने की नसीहत दी जो उपद्रवी युवकों को पसंद नहीं आई। आकाश की सलाह कार में सवार सभी 4 युवकों के इतनी बुरी लगी कि वे बौखला गए। उन्होंने आकाश के साथ गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। एक आरोपी ने किसी ठोस वस्तु से वार कर आकाश को बुरी तरह जख्मी कर दिया और डरा धमका कर फरार हो गए। आकाश ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार के नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। जिला परिषद के इतिहास में पहली बार उपाध्यक्ष पद किसी महिला को मिलने की पूरी संभावना बनती दिख रही है। यह कहा जाए कि यह पक्का ही है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि OBC सीटों की मान्यता रद्द होने के बाद हुए उपचुनाव से स्थितियां बदल गई है। हालांकि यह सब पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार पर है कि वे किसका नाम इस पद के लिए फाइनल करते हैं। दरअसल जिला परिषद को इस बार पहली महिला उपाध्यक्ष मिलने की संभावना इसलिए बलवती हो गई है क्योंकि इस पद पर केदार के बेहद करीबी समझे जाने वाले मनोहर कुंभारे बैठे थे। दुर्भाग्य से उनकी भी सीट OBC मान्यता रद्द होने के चलते बलि चढ़ गई। इतना ही नहीं, महिला के लिए आरक्षित हो गई। पार्टी ने उनके साथ न्याय करते हुए उनकी पत्नी सुमित्रा कुंभारे को टिकट दी। वे चुनाव जीत भी गई है, इसीलिए अब मनोहर कुंभारे की जगह उनकी पत्नी को उपाध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। हालांकि 29 अक्टूबर को विशेष सभा में चुनाव होगा और तब यह क्लियर हो जाएगा। वर्ष 1962 में जनपद की जगह जिला परिषदों का गठन किया गया था। तब से अब तक कांग्रेस और भाजपा और कई बार गठबंधन की सत्ता आई, लेकिन किसी भी पार्टी ने महिला सदस्य को उपाध्यक्ष नहीं बनाया था। मतलब 1962 से लेकर 2020 में हुए चुनाव के बाद तक पुरुष सदस्य ही इस कुर्सी पर आसीन किए गए हैं। हाँ, अध्यक्ष पद पर जरूर महिलाओं को अवसर मिला है। पिछले 3 टर्म से तो महिला आरक्षण के चलते अध्यक्ष पद पर महिलाएं ही आसीन होती रही है। अभी भी रश्मि बर्वे ही अध्यक्ष है, लेकिन अब उपचुनाव के बाद ऐसे हालात बने हैं कि उपाध्यक्ष पद पर भी महिला को काम करने का मौका मिलने वाला है। उपाध्यक्ष के पास सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और बांधकाम विभाग के सभापति पद की भी जिम्मेदारी होती है। जिला परिषद के इतिहास में अब तक 16 उपाध्यक्ष हो चुके हैं और सभी पुरुष सदस्यों को ही इस पद की जिम्मेदारी मिली है, जबकि 6 बार महिला अध्यक्ष बन चुकी है और उन्होंने अपना कार्यकाल पूरी जिम्मेदारी से और सकारात्मक तरीके से निभाया भी है। निर्धन व जरूरतमंदों के लिए अब शासकीय अस्पताल ही एकमात्र सहारा बने हुए हैं, लेकिन उपकरणों की दुरुस्ती सहित आवश्यक सामग्री की आपूर्ति में की जा रही देरी की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 1.5 महीने तक कैथ लैब बंद थे। अब एक बार फिर हृदय रोग विभाग की धड़कनें धीमी हो गई है। डाई खत्म होने से शल्यक्रिय प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। वही कॉन्ट्रैक्ट के अभाव में एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी की गति की धीमी हो गई है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 1.5 महीने कैथ लैब बंद होने से एंजियोप्लास्टी की प्रक्रिया रोक दी गई थी। अस्पताल में कैथ लैब, फेब्रोस्कैन सहित 99 तरह की मशीनें हैं। इन मशीनों की वारंटी खत्म होने के बाद उनमें मेंटेनेंस पर हर वर्ष 1.5 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। लेकिन विदर्भ के शासकीय अस्पतालों को उपकरणों की देखभाल के लिए राज्य सरकार द्वारा समय पर निधि नहीं दी जाती। कंपनियों के साथ ANC और CNC का करार नहीं होता।
इस वजह से कैथ लैब या अन्य उपकरण बंद होने से कंपनियों द्वारा दुरुस्ती रोक दी जाती है। पिछले दिनों कैथ लैब मशीन का पार्ट जर्मनी से मंगाया गया। पार्ट लगाने के बाद मशीन शुरू हुई, लेकिन अब डाई खत्म होने से एक बार फिर कैथ लैब के बंद होने की संभावना बढ़ गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शासकीय अस्पतालों में पहले की तुलना में मरीजों की संख्या बढ़ी है। सुपर में केवल विदर्भ या महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के भी मरीज आते हैं, लेकिन वेटिंग लिस्ट लंबी होने से मरीजों को तकलीफ सहन करना पड़ रहा है। शासकीय योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन हो जाते हैं, जबकि निजी अस्पतालों में जाकर उपचार और ऑपरेशन कराने में असमर्थ मरीजों के पास इंतजार करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। कोविड महामारी के कारण पिछले 18 महीनों से बंद कॉलेज खोलने की आखिरकार मंजूरी मिल गई है। कॉलेज में उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने कोविड प्रतिबंधित वैक्सीन के दोनों डोज लिए हैं, जबकि एक डोज लेने वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प रहेगा। प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल सभी कॉलेज बुधवार से शुरू किए जा रहे हैं। छात्र क्षमता 50% से भी अधिक हो सकती है। पिछले दिनों राज्य की कैबिनेट ने कॉलेज खोलने की मंजूरी दी थी। इस संबंध में मंगलवार को आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्राध्यापक सुभाष चौधरी, प्राध्यापक उपकुलपति प्राध्यापक संजय दुधे की प्रमुखता में सभी संलग्नित कॉलेजों के प्राचार्यों की बैठक ऑनलाइन आयोजित की गई। इसमें 13 अक्टूबर 2020 के अध्यादेश के अनुसार कॉलेजों को खोलने की अनुमति दी गई। सभी कोविड नियमों का पालन अनिवार्य होगा। प्रोफेशनल के साथ ही नॉन प्रोफेशनल कॉलेज शुरू किए जाएंगे। दोनों डोज लेने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। इसी दृष्टि से 50% से अधिक प्रवेश क्षमता को रखा गया है। साथ ही नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ के दोनों टीके पूरे कराने के लिए शिक्षा संस्थाओं को इंतजाम करना होगा। वहीं जिन छात्रों ने एक ही डोज लिया है उनके लिए भी शिक्षा संस्थाओं को व्यवस्था करना होगा। जिन छात्रों ने एक ही टीका लिया है उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस यथावत रूप से जारी रहेंगी। हालांकि कॉलेज खोलने की मंजूरी तो दी गई है, लेकिन अब तक हॉस्टल नहीं खोले गए हैं। विश्वविद्यालय के प्राध्यापक उपकुलपति प्राध्यापक संजय दुधे ने बताया कि सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद चरणबद्ध तरीके से हॉस्टल शुरू किए जाएंगे। बैठक में सभी प्राध्यापकों ने कॉलेज खोलने की तैयारी दिखाई है। यही वजह रही कि विश्वविद्यालय की ओर से मंगलवार को अध्यादेश जारी नहीं किया गया। पारशिवनी तहसील में कपास की अनुपलब्धता और लगातार पैदावार में गिरावट के कारण इस वर्ष कई किसानों ने सोयाबीन और तुअर की खेती का विकल्प चुना। हालांकि सोयाबीन की फसल अच्छी नहीं होने से सावली के कुछ किसानों ने बिना फसल काटे ही उस पर रोटावेटर चला दिया। अब ऐसी स्थिति में किसानों का कहना है कि उनके पास आत्महत्या के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। किसानों ने खेत में सोयाबीन की फसल इस खरीफ सीजन में बुआई की थी, लेकिन पौधे में फली ही नहीं आई। सोयाबीन की फसल को नकद फसल के रूप में देखा जाता है, लेकिन ऐन दिवाली के पूर्व सोयाबीन की फसल ने किसानों को मायूस कर दिया। कृषि विभाग द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर नुकसान की भरपाई करने की मांग किसानों ने की है। सोयाबीन की फसल पर फूल लगे ही थे कि उस पर कीटों का हमला हो गया। फसल पर किसानों ने महंगी दवा का छिड़काव भी किया, बावजूद इसके कीटों पर नियंत्रण पाया नहीं जा सका। वही सितंबर माह में लगातार हुई बारिश ने सोयाबीन की फसल को तितर बितर कर दिया। कई किसानों के खेतों में सोयाबीन की फसल में अंकुर भी फूटे थे। किसानों ने जैसे तैसे सोयाबीन फसल की कटाई भी की, उसमें भी खेत मजदूरों की मजदूरी बढ़ने और उत्पादन से अधिक मजदूरी का खर्च होने की परिस्थिति सर्वत्र देखने को मिल रही है। चिचोली, महादुला, मोगरा, सावली, कान्हा देवी, टेकाड़ी, सकरला, निम्बा, कुसुमधरा, पेंड्री के अधिकांश किसानों ने अपने खेतों में सोयाबीन की फसल पर रोटावेटर चला दिया है। इस खरीफ सीजन की सोयाबीन फसलों का जल्द से जल्द नुकसान का मुआवजा मिलने की मांग किसानों ने की है। तो वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।